महाराष्ट्र के जालान प्रभाग क्रमांक 13 मालीपुरा जूना जालान में नगर प्रशासन और नगर सेवकों की अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसा हाल हुआ है। नागरिकों का कहना है कि यहां रास्तों का काम 15 से 20 सालों से नहीं हुआ है, जिसके कारण बारिश में आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ का नगर सेवक 4 से 5 सालों में एक बार भी नहीं आता। यहाँ के रहने वाले नागरिकों ने नगर प्रशासन और नगर सेवकों को जिम्मेदार ठहराया है। स्थिति का जायजा लेते हुए हमारे रिपोर्टर अब्दुल ने वहाँ के लोगों से बात की। मालीपुरा प्रभाग क्रमांक 13 जालना इस एरिया में खड़े हैं, जहाँ पे इस रोड का निर्माण कार्य और सफाई कई सालों से नहीं हुई है। यहाँ के रहवासी, यहाँ की जनता खुद पैसे खर्च कर कर यहाँ की सफाई कार्य करती है और ये जो रोड है तकरीबन 20-25 सालों से इसका निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन यहीं के कुछ रोड है जो कम से कम 3 साल में 4 साल में 2 बार बन चुके हैं। आप रोड की हालत देख सकते हैं किस तरीके से ये रोड यहाँ पे हो चुके हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे जाने आने वालों को करना पड़ता है। आइए हम यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, प्रभाग क्रमांक 13 मालीपुरा जालना के, हम उनसे जानते हैं कि उनको किन किन बातों की समस्या यहाँ पे हो रही है, तो हम बात करेंगे। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम शेरोस्तान है। हमारे इस भाग में, प्रभाग में इतनी सारी समस्याएं लोगों को हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतनी घाण हो रही है, कचरा पड़ा हुआ रहता है, महीनों महीनों तक जो है तो घाण उठाने के लिए प्रशासन जो है तो उठाने के लिए आती नहीं है, और नगर परिषद के कर्मचारी वो नगर सेवक न जाने किस गुफा में छुपकर बैठे ये लोग, बाहर आने का नाम ही नहीं लेते, सिर्फ वोटिंग के लिए प्रशासन जनता के पास सिर्फ वोटिंग के लिए ही इलेक्शन के टाइम पर आते हैं, बाद में न जाने किधर गायब हो जाते हैं, इनका कुछ पता नहीं है। यहाँ की रोड कचरा इसका इतना बेकार हाल है, यहाँ की जनता को छोटे मासूम बच्चों को परेशानी होती है, जिसका बीमारियों का सामना जो है तो छोटे मासूम बच्चों को करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो कचरे का जो हाल है, और अभी अभी यहाँ की जनता ने अपनी जेब के पैसों से 5 रुपये 10 रुपये एक एक पर घर से जमा करके जो है तो इस काम को अंजाम दिया है, ताकि नगर परिषद को भी ये बता सके और नगर सेवकों को भी बता सके कि यहाँ की जनता में कितनी एकता है, और जो है तो उन लोगों को एक इंसानियत का पैगाम देने के लिए ये लोगों को बताया जा रहा है कि ये इस तरह काम किया जाता है, और जो लोगों को परेशानी हो रही है उसका तो कुछ हल वो निकाल नहीं रहे हैं। यहाँ पे जो घंटा गाड़ी होती है कचरा गाड़ी, वो है तो 8-8, 15-15 दिन महीना महीना भर जो है तो आ नहीं रही है, टाइम टाइम नहीं आ रही है, और जो है तो यहाँ के जो कचरा आप देख सकते हैं, नाली का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, नलों का प्रॉब्लम है, वो कब हल होगा न जाने, वो प्रशासन ही जाने और यहाँ के नगर सेवक ही जाने, लेकिन यहाँ की जनता का जो परेशानी का हल है वो कब निकलेगा ये प्रशासन को जल्द से जल्द हल करना पड़ेगा। आप इसे ये समस्याएं जो हो रही है आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? इसको तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये नगर सेवक का तो काम ही करना है, ये नगर सेवक आती नहीं, नगर सेवक करते नहीं, कौन जिम्मेदार है? नगर सेवक किसके जिम्मेदार है? उनका काम है कि यहाँ पर आकर देखे। कौन जिम्मेदार है इस बार? नगर सेवक। यहाँ पर जो परेशानियाँ इस परिसर के लोगों को हो रही है, सभी का कहना है कि इसके जिम्मेदार नगर सेवक है, और ये नगर सेवक गुम हो चुके हैं, गुम चुके हैं। अगर किसी को मिले तो हमारे इस न्यूज़ चैनल के नंबर पर कांटेक्ट करें, संपर्क करें। मैं नंबर देता हूँ 9561033111। इसका जिम्मेदार केवल प्रशासन है, नगर सेवक है, और जो भी संबंधित अधिकारी है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप?
हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो नगर सेवक है और जो नगर पालिका के कर्मचारी है उनसे ये गुजारिश अदबन की जाती है कि जिस तरह कोरोना वायरस की महामारी हमारे पूरे भारत मुल्क में चल रही है उसको रोकने के लिए जो है तो सारी गवर्नमेंट जो फेल हो चुकी है, तो इसका सामना भी जो है तो इस कचरे से लिया जा सकता है कि इस कचरे से भी वो बीमारी बढ़ सकती है, जैसे नई नई बीमारियाँ पैदा हो सकती है, जिसे अब कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो आने वाली है कोरोना वायरस की जो बच्चों को चपेट में लेने वाली है, तो क्या ये धान कचरा उसका सबब नहीं बन सकता है। हम यही प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ के सड़कों का काम करे, यहाँ के नालियों का काम करे और यहाँ के जो है तो जनता की जो परेशानी है उसको जल्द से जल्द जो है तो पूरा करे। धन्यवाद। मैं शेख अब्दुल कुद्दूस।